अब सामाजिक न्याय वह सिर्फ एक सामाजिक व्यवस्था तक ही सीमित रहने से होता नहीं, क्षेत्र विशेष का भी पीछे रह जाना एक अन्याय का कारण होता है। कोई गांव पीछे रह जाए तो वो सिर्फ एक गांव एक एंटिटी के रूप में पीछे, ऐसा नहीं। इसलिए ये 115 जिले, उसका विकास उस बाबा साहब आंबेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिबद्धता का भी एक बहुत बड़ा एक सिस्टमेटिक सॉल्यूशन प्राप्त करने का प्रयास का हिस्सा बनेगा। मुझे विश्वास है देश आगे बढ़े, देश प्रगति करे, देश बदले, देश के सामान्य मानव की जिंदगी बदले, लेकिन उसकी शुरुआत कहीं न कहीं छोटी इकाई के परिवर्तन से होती है। उन सबकी क्यूमुलेटिव इफेक्ट होती है जो देश बदलता हुआ दिखता है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के लिए यह बहुत आवश्यक है कि वहां के जन सामान्य के अंदर एस्पिरेशन है, उस एस्पिरेशन को आइडेंटिफाई हम करें। नए एस्पिरेशन जगाने के लिए मैंने क्या पढ़े हैं और उसको हम चैनलाइज करें। हम इस प्रकार से जन भागीदारी से चीजों को कर सकते हैं। एस्पिरेशन और सरकार की योजना, इन दो का मिलन बिंदु उनकी भागीदारी होना चाहिए। जितनी ज्यादा भागीदारी बढ़ती है उतनी सरलता बढ़ती है। हिंदुस्तान में आपको 50-100 जगह मिल जाएगी कि अचानक डेवलप हो गया। आप एक बार कहीं इस प्रकार से आप ब्रेक थ्रू करेंगे, आप देखिए चीजों को। एक बार 115 है, अगर 10-10 कदम भी आगे बढ़ जाए, आप कल्पना कर सकते हैं देश के सारे हिसाब किताब कितने बदल जाएंगे। फिर सरकारों को भी लगेगा बजट देना है तो यहां प्रायोरिटी यहां दो। मैं समझता हूं जिनके जिम्मे 115 कठिन डिस्ट्रिक्ट है, मैं उन्हें भाग्यवान मानता हूं कि उनको जीवन में संतोष पाने का अवसर। जहां अच्छा है वहां अधिक अच्छा कोई नोटिस नहीं करता है, अच्छा है वहां अधिक अच्छा आपको भी रात को चैन की नींद नहीं देता है, लेकिन जहां कुछ नहीं है वहां रेगिस्तान में एक पौधा भी अगर कोई उगा देता है उसको जिंदगी का एक संतोष मिलता है।